मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका आज पांचवा लेक्चर है, है ना, पांचवा या शायद चौथा लेक्चर है, पांचवा लेक्चर है, ठीक है ना। आप लेक्चर वाइज एक लेक्चर लगता है, लेक्चर नंबर थ्री बना ही नहीं और फोर डायरेक्ट बन गया, ठीक है ना। चल खैर उस सबसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये देखते हैं, आप मिलाते रहिएगा, है ना, पिछले की क्लास से। आइए, आंदोलन का तृतीय चरण, हमने आंदोलन एक देख चुका था, दूसरा आंदोलन देखा और आप देखेंगे तृतीय चरण, तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी के नेतृत्व में लगा गया, है ना। अंतिम चरण ये था, एक अंश, पहला चरण, दूसरा चरण और तृतीय चरण। पहला चरण में हम लोग, है ना, कांग्रेस की स्थापना से आगे देखा, दूसरा चरण में देखा कहां से, है ना, बंगाल विभाजन से देखा, और तीसरा चरण आप देख रहे हैं 1919 से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीसरा चरण में ये पूर्ण रूपेण किस पर डिपेंड कर रहा था, तो ये पूर्ण रूपेण गांधी पर डिपेंड कर रहा था, अतः इस चरण को गांधी युग के नाम भी से भी जाना जाता है। गांधी युग कहेगा तो आप कितना कहोगे, 1919 से लेकर के 1947 तक के डाटा को गांधी युग कहोगे, है ना। ये सब एज किसका है, गांधी। अभी महात्मा गांधी आए थे, बड़ा दम ओहदा इनको हो गया था, बिहार में उसने बहुत बड़ा नाम कमाया, ठीक है ना, बिहार के कौन सा जगह पे, चंपारण, जो नील की खेती से संबंधित था, और सबसे ज्यादा नाम कमाया चंपारण से। ओके, महात्मा गांधी लौट करके भारत आइए, गांधी के बारे में जानते हैं। गांधी जी इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई खत्म करने के बाद भारत लौटे, है ना, भारत लौटे, कहाँ आए, भारत आए, भारत आए थे 1892 में कहा पागल लड़की दम, लेकिन दिमाग खराब करते हैं यार, है? बताइए। तो महात्मा गांधी 1891-92 में भारत आए और यहाँ एक आध दो साल रह करके और देखा कि हमें यहाँ दाल नहीं गलेगा, ठीक है ना, फिर सोचे कि चलिए दूसरा जगह हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं। काला कोट पहने हुए थे, वकालत पढ़ के आए थे, ठीक है ना। उसी समय यहाँ से एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, ये नाम याद रखिए, कौन, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ गए, अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका, कहाँ गए, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका कब गए, तो आए 91-92 में साउथ अफ्रीका गए, है ना, यहाँ कुछ दिन तक गए, कुछ दिन के बाद फिर कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। आइए, कहता है अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। तो 92 में भारत में आए और 93 में कहाँ चले गए, डरबन, यानी दक्षिण अफ्रीका चले गए। बोलो बच्चे समझ में आया, आवाज समझ में, बोलने लगती है, सोचती नहीं है दिमाग में। कहते क्लास में शांति बना के रखो, कुछ समय के बाद, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाला लाइन भूल गए, वो क्या कहता है, नहीं समझ में आ रहा था, रुको, अरे बच्चे हो, है ना, गलती मत काटो। तो डरबन पहुंचे, कहां पहुंचे बच्चे, डरबन पहुंचे। आइए, कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंगभेद नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। देखो 20 वर्ष प्रवास, यानी दूसरे जगह आवास इनका था, प्रवास, है ना, ये देखिए लगभग 20 साल रहे, 93 से लेकर के 1893 से लेकर के लगभग 1915 तक, तो लगभग 20 वर्ष का एज हुआ, हुआ ना, हुआ कि नहीं बच्चे, है ना। तो लगभग 20 वर्ष के प्रवास में, है ना, ब्रिटिश सरकार की रंगभेद नीति, अंग्रेज जब ये यहां से लड़ने के लिए गए कहां पे, डरबन, यानी दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था, है ना। तो माजरा को समझ में आना दोनों में आसान पड़ेगा कि उसकी नीति क्या है। अगर एक फ्रांसीसी रहता तो मान लिया जो वहां उसको आजादी भी दिला देते महात्मा गांधी, तो क्या गारंटी था कि अंग्रेज से आजादी दिलाते, दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। लेकिन महात्मा गांधी को यह बहुत बढ़िया ये समझ में आया, वकालत जहां पढ़ने गए थे वो भी इंग्लैंड था, है ना, वही के स्टूडेंट के साथ ये भी महात्मा गांधी पढ़ाई किए, यानी वहां के माजरा से, कौन,
कहता है कि यहां पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है, और इसी सत्याग्रह आंदोलन को भारत में भी एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट तो वहां कर ही लिया दक्षिण अफ्रीका में, और यहां लागू किया, अप्लाई किया, है ना, और ये सत्याग्रह अच्छा रहा। चलो बच्चे, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां तक के बातें आप समझ ही पा रहे होंगे। कहता है 9 जनवरी 1915 को कितना तारीख को भारत लौटे थे दोबारा, ए बच्चे, और नहीं हुआ तो इसके ऊपर फोन करना, अरे तारा वाला पर। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए, 9 जनवरी को भारत आए। इसी दिन प्रवास, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवास दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और यहां उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। किन से हुआ बच्चे? गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया, है ना। पूरा भारत से परिचित करवाए गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी को। गोखले के प्रभाव में आकर ही गांधी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीतिक से जोड़ा। हाँ, हम एंट्री ले लिए, अब हम यहाँ पे रहेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे, है ना। शायद गांधी जी को ये पता नहीं होगा कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिस समय गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, उस समय प्रथम विश्व युद्ध, है ना, का दौर चल रहा था। बताइए, 14 से 18, अब 15 में गांधी जी आए थे भारत। कब भारत आए थे बच्चे गांधी जी? 15 को, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का समय था, युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद किया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी। कैसर ए हिंद की उपाधि दिया। देखिए, कोई भारतीय लोग अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे थे, कहां? इंग्लैंड, यानी विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने ही सबको मनाया कि इस भारतीयों को युद्ध में जाना चाहिए, है ना, इंग्लैंड जीतेगा। और वो इस आश्वासन दे दिया था इंग्लैंड वासी ने कि अगर भारत आज, सॉरी, अगर हम लोग जीत गए प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना, तो भारत को आजाद कर देंगे। भारत को क्या करेंगे? आजाद कर। तब महात्मा गांधी समझते थे कि इंग्लैंड में जो भी कानून आता है वह अधिकतर कानून सही होता है, ठीक है ना। इसलिए ये भी साथ दे दिए और यहां से पूरा भारतीय लोग युद्ध में गए। अब इस दरमियान ये देखा जाता है कि अगर कितना लोग पहले से कह रहे थे कोई नहीं जा रहा था, और अब तो बहुत इकट्ठे लोग जा रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। पूछता है कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? तो अंग्रेजों ने दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। और बेटा किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में यहां से लोगों को युद्ध में भाग लेने के लिए दिया। इनके कहने पर लोग गए ना। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसर ये हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने कब दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। बोलो बच्चे, क्लियर है? प्रथम विश्व युद्ध, यहां तक कैसर ये हिंद आपने लिख लिया, कैसर ये हिंद लिख लिया। आगे देखा जाए। कहता है युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारत युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट भी कहने लगे, है ना। भर्ती कराने वाले सार्जेंट नाम दिया गया, एजेंट के जगह सार्जेंट कहने लगे। किसको? महात्मा गांधी को। भर्ती कराने वाले सार्जेंट भी इनको कहा गया। कहता 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सुन महाराज, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास, कहां पे? गुजरात की राजधानी गांधीनगर नहीं, अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम बनाया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, साबरमती आश्रम कहां है? तो अहमदाबाद में।
और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया। तो बच्चे कब किया? 1916 में किया। कब किया? 1916 में। कौन सा? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? 1916। किसने किया? महात्मा गांधी ने। कहां किया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपनी लिखी पुस्तक, क्या नाम है? हिंद स्वराज। इनका एक पुस्तक है बेटा हिंद स्वराज। लिखते लिखते कलम थक जाएगा, लिखे वाला पॉइंट खत्म नहीं होगा, इसलिए लिखना बंद कीजिए, है ना। वीडियोस देख करके लिखिए, समझे बच्चे? इधर भी है ना, इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा। वीडियो तो देख के लिख सकते हैं बाद में भी, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो। कहे कि अक्सर पॉइंट पूछता है, गांधी इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया गांधी के द्वारा, ठीक है ना। गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। पूछता है हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने। हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने। 1919 में यह पुस्तक लिखा गया। कब लिखा गया? 1919 में, है ना। स्वराज यानी स्वशासन का विस्तृत व्याख्या किया गया है, यानी अपने राज्य के बारे में विस्तृत। कहता है भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने चंपारण खेड़ा के किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। यहां से बच्चे क्वेश्चन आता है, 17 में चंपारण, 1917 में चंपारण, 1917 में ही खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, तीन जगह सत्याग्रह इन्होंने किया, आंदोलन किया और सफल रहा। तीनों जगह आंदोलन क्या रहा बच्चे? सफल रहा। चंपारण में नील की खेती को लेकर के, ठीक है ना, अहमदाबाद में, उसके बाद खेड़ा में मिल मालिकों के साथ और अहमदाबाद में मजदूरों के साथ, ठीक है। देखेंगे हम लोग मजदूरों के साथ, मजदूर को वो चीज नहीं मिल रहा था जो उसको मिलना चाहिए था, है ना। इसकी डिटेल्स देखा जाएगा, ओके। अभी आप याद रखिएगा कि तीन सफल आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे 17 से 18 में, समझ में आया? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण बिहार में है, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में। आइए अप्रैल 1917, अब अप्रैल याद रखिएगा, अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है, कि चंपारण, अप्रैल 1917, चंपारण जिले, बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी। सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। कहता है चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा, इसीलिए हम लोग जोड़ दिए क्या? महात्मा गांधी। पहले कैसर हिंद की उपाधि किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। फिर महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। और कब दिया बच्चे, है ना, ये कब दिया? जब चंपारण में सफल सत्याग्रह रहा तब। चंपारण में सफल सत्याग्रह रहा, सफल मतलब जीत गए, गांधी की जीत हुई, अंग्रेजों की हार हुई। ये समय इतना बड़ा महात्मा, ये तो महात्मा निकला, है ना। कोई आदमी देखो ना, एकदम लगे कि वो आदमी मरने वाला है और वहीं पे वो आदमी आ जाए उसको बचा ले, तो कहेगा कि आप तो भगवान है मेरे लिए, ठीक है। तो ठीक ढंग से, उसी ढंग से गांधी को क्या कहा? महात्मा कहा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा बच्चे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये अप्रैल में आया था, कब आया था? अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में कहां आए थे? चंपारण, बिहार के चंपारण। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह 1918, है ना, 18 में हुआ, सॉरी 18 में, ठीक है। भारत में गांधी जी चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था, खेड़ा में किसान को लेकर के था, सॉरी खेड़ा में किसान को लेकर के और मजदूरों को लेकर के अहमदाबाद में। 18 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया और मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लैग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ, ठीक है ना। हाँ, प्लैग बोनस बताएंगे,
आगे मिल मजदूरों मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा तो उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहता है गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। 1918 में मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए और 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है ना, गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिकों ने सारे मामले का ट्रिब्यूनल को सौंपा, यानी कोई संस्था को सौंप दिया कि आप उसका फैसला ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। तीन लोग है ना, जिसमें जज वकील कोटी सब होगा। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। आइए हम लोग इस आंदोलन को अब समझते हैं डिटेल से। एक ब्रीफ हमने देखा, अब आप समझिए। हमको लगता है थोड़ा सा इधर दिया है क्या, खेड़ा वाला। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? चंपारण। उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद अहमदाबाद। सबसे खतरनाक इसमें अहमदाबाद था। आइए चंपारण समझिए। खेड़ा में किसानों का था, किसान का था ना, है ना। आज चंपारण में भी किसान का था, लेकिन नील किसान का था। कौन किसान का? नील है किसान का। और अहमदाबाद में मजदूर और मालिक के बीच, समझिएगा बच्चे, नील की खेती को लेकर के क्यों था। आइए समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं, चूंकि इसका डिटेल्स हमने पहले दे दिया। भारतीय नील की डिमांड पूरे विश्व में बहुत ज्यादा था, तो अधिक से अधिक नील पर खेती करवाने को अंग्रेज राजी कर लिए। भारतीयों को खेती हो रही थी, डिमांड बढ़ते जा रहा था, खेती भी लोग कर रहे थे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, खराब होता हो, पैसा तो आ रहा ना, पेट तो पल रहा है ना, तो मजदूर हंसी खुशी भी खेती कर रहे थे। ठीक है ना, किसान लोग हंसी खुशी। लेकिन क्या था, एक गारंटी ये दिया था, है ना, 3/20 लगाया था। क्या लगाया? जिसका 20 कट्ठा खेत है, जिसका 20 कट्ठा खेत है, 3 कट्ठा पर नील का खेती होगा। इस चीज को है ना 3 कठिया पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति समझ में आया कि जिस किसान के पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा खेत पर नील का खेती करेगा और 17 कट्ठा खेत पर जेमन ऐसे करेगा। अगर उसके पास 40 कट्ठा खेत है तो 6 कट्ठा खेती पर नील करेगा और बाकी 17 × 34 पर कौन करेगा? जो मन से करेगा। फिर भी किसान लोग नील का खेती कर रहे थे। परेशानी हुआ कि ये लोग ना नील के खेती के लिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से एक 60 गांठ चलाई, है ना, का लीज पर आप इतना दिन के लिए खेती करो, 10 साल 20 साल के लिए, और अगर तू नील का खेती करना बंद कर दिया तो तुमका पेनाल्टी लगेगा, यानी पैसा लगेगा। तो नील का खेती बंद नहीं करना है, लगातार नील का खेती आपको करना हो, कितना साल? 20 साल, जो साल का जितना किया होगा, जो 10 साल का अगर लीज है, 15 साल का लीज है, 5 साल का लीज है, सब उसी ढंग से नील का खेती हो रहा था। किसान कोई पैसा मिल जाता था चलो कोई बात नहीं। लड़ाई तब शुरू हुआ, नील का खेती तो आपने देखा बहुत दिन से हो रहा था भाई, तो ये जाके एकदम अंतिम चरण में ऐसे कब पहुंच गया, कैसे पहुंच गया 1917-18 में। तो बेटा उसके पीछे जो रीजन दिखाया गया मिल मालिकों के साथ ही है, नील की खेती के साथ। आप समझिएगा इस बात को बच्चे, नील की खेती को समझिए। पैसा मिल जाता था अच्छी खासी, इसी भी जर्मनी में एक लिक्विड का खोज हो गया। कहां पे? जर्मनी में एक लिक्विड का खोज हो गया, तो नील का डिमांड घट गया। लेकिन पहले से ही एक स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करवा लिया था अंग्रेज कि आपको है ना खेत नहीं छोड़ना, लगातार 20 साल 10 साल खेती करना ही करना है। बात कुछ समझ में आ रहा है, इस भेजे में जा रहा है ना, लगातार कितना 10 साल 15 साल जो जिसका लीज होगा उसके अनुसार से वो खेती करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे? उसके अनुसार से ये खेती करेंगे। कौन करेंगे खेती? किसान लोग। अब आइए
वहां पे जब जर्मनी में नील के टेम्पररी ही लिक्विड का आविष्कार जब हो गया, तो ये लोग अंग्रेज लोग कहे कि अब पहले जो 20 रुपए किलो लेते थे उस समय के, पता नहीं कितना होगा है ना, मान के चलिए जो आज 100 रुपए लेते थे, वो कह रहा कि अब हम 70 रुपए लेंगे। अब बताइए 70 रुपए लेगा तो उसको पूरा पैसा मिलेगा, पहले 100 रुपए मिल जाता था। पैसा की कीमतें और बढ़नी चाहिए ना, क्यों घटनी चाहिए? घट गया है ना, एक तो पहले भी नहीं आता था उतना पैसा, अब और कम दे रहा है, 70 रुपया दे रहा है, मान के चलो 70% घटा दी। अब बताइए अगर नील का खेती बंद कर दे कौन, किसान, तो यह और बड़ा खतरनाक बात है। कहे नहीं नहीं बंद कर दे अगर खेती करना नील का, तो पहले वो स्टाम्प पेपर पर का लिखाया था है ना कि अगर तू खेती नहीं करेगा तो पैसा लगेगा। अब बताइए किसान तो फंस गया, खेती करे तैयो पैसा कम मिल रहा है, और ना खेती करे तब पैसा देना पड़ेगा। काहे कि वो जो साठ गार्ड था स्टाम्प पेपर बना था, वो स्टाम्प पेपर को आपने फेल कर दिया। क्या बच्चे समझ में आया तीन कठिया पद्धति है ना, बीच बीच में किसान छप गए। और ये तो हजारों साल से हो रहा है यार खेती नहीं का, कौन जा रहा है, अंग्रेजों ने उसको बहुत दिन 100 साल से खेती करवा रहा है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा क्या आने पड़ी, बातें कुछ समझ में आया बच्चे? तो यहाँ यही परेशानी हुआ। अब ये कहता था कि पेनाल्टी में अगर, अब तो नील की खेती ये करवा के क्या करेंगे कौन, अंग्रेज, लिक्विड हो गया था यार, एक बूंद डालो और एक किलो नील के बराबर हो जाएगा, तब नील का खेती अच्छा बात है, यहाँ ले जाओ उसको फ्रेश बनाओ अच्छा करो है ना, कूटो पीटो जाके तब लाल नीला कलर तैयार करो, और वहां लिक्विड का खोज हो गया, आविष्कार केमिकल्स का खोज हो गया। केमिकल का मतलब समझ में आता ही होगा है ना, लिक्विड है ये, केमिकल्स है, और ये नेचुरली था, इसका डिमांड घट गया। अब महात्मा गांधी जब यहां पे आए तो इसकी स्थिति को बड़ा खराब देखा, वो कहा कि तो फिर दाम काहे घटाया है ना, दाम किसी चीज का बढ़ना चाहिए, घटा काहे दिया, कहा कि ना इधर का ना उधर का, अब ये लोग अब इसका भी जरूरी है कि खेती भी कम करना, नहीं करना खेती काहे करेंगे भाई, नील के जब खपते नहीं होता, फिर एक दिन हो जाए कि 17 रुपए नहीं खरीदेगा, 70 रुपए से 17 रुपए नहीं खरीदेगा, कहे कि इसका कोई जरूरत नहीं है, तो और उतना साल तक तुमको खेती करना है नील के, जितना साल 20 साल 25 साल जो भी हो, नहीं मामला फंस गया। अब यहां से कहें कि पेनाल्टी जो देना था ठीक है ना, ये 50% मतलब 50 रुपया देना था, तो अंग्रेजों को कहा कि से 50 नहीं देगा 20 देगा, अब 20 में इसे भी तैयार हो गए कौन, किसान लोग, अरे 20 फिर तो जमीन में हमरे हो जाएगा, अब आप नील की खेती नहीं करेंगे, जब मन में से करेंगे मजा आएगा ठीक है, 20 देंगे। अब कहा कि नहीं हम लेंगे 40 ठीक है, फिर दोनों आकर के 30 या 25 में इर्द गिर्द में साठ गाड़ बन गया, और पेनाल्टी भी दे दिए, और इनका अपना खेत भी आ गया, यानी अंग्रेजों को पहली बार झुकना पड़ा, नहीं तो अंग्रेज तो 17 रुपए ले भी रहे थे 70 रुपए, और नील की खेती भी करवा रहे थे। तो यह पहला सफल रहा। दूसरा रहा खेड़ा, गुजरात में खेड़ा है ठीक है ना, यहाँ पे किसान की परेशानियां थी, और वो किसान की परेशानियां खत्म कर दी, ज्यादा बड़ा परेशानी। सबसे इंपॉर्टेंट था अहमदाबाद, अहमदाबाद में दो बहन थे, एक बहन और एक भाई में थोड़ा लड़ाई वड़ाई चल रहा था ठीक है, दोनों मिल मालिक को लेता था बड़ा आदमी, एक अनसुईया बहन थे शायद नाम, अनसुईया बहन माता अनसुईया बहन उनका नाम था, और वो मजदूर संघ के लीडर थी और मालिक था मालिक ठीक है। एक बार बीच में प्लेग आया, प्लेग जैसे आज किसी कोरोना आया था, ऐसा ही उस समय प्लेग आया था, बहुत लोग मर गए महामारी है ना, देखे थे ना प्लेग की बीमारी से 97-98 में भारत में 1 करोड़ आदमी मर गया था, 35 करोड़ भारत में आदमी मरा था रे 1 करोड़ मरा था ना, 1 करोड़ मर गया। अच्छा एक बात ये सोचिए, यहां पे मिल मजदूर में काम तो चल ही रहा था, कहा जब प्लेग फैला तो उस समय क्या किया, कहा कि जे जे आदमी यहां रह लेगा, जौन जौन यहां रहोगे उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मतलब समझ में आया ना,
हाँ उस बीमारी में, जैसे सब लोग अभी कोरोना छोड़ के सब घर आ गए थे कोरोना में, हमारा पैसा ना चाहिए, लेकिन उस समय भी कंपनी चली है, उस समय सैलरी ज्यादा मिला है, समझे। जो एकदम सोच लिया कि हमारा जो करना है यही रहना है, समझे। डॉक्टर वाला भी एरिया में चल जाओ, वहां पे डॉक्टर जो दिन रात आके मेहनत किया है उसको सैलरी ज्यादा मिला है। जो नर्स है दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, अब बहुत लोग तो घर चल गए, अब बच गया कुछ तो उसको पैसा ज्यादा मिला है। और मजदूर को भी इसी ढंग से, एक तो आ गए अब वहां पे काम तो है ना, वहां भी पैसा ज्यादा मिला है, तो ऐसा ही बोनस मिला। अब बोनस मिला तब बताइए, प्लेग जब ठीक हो गया तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो बढ़ गया था सैलरी सबके, अब उस सैलरी को घटा दे रहा। अब बताइए, एक बार किसी चीज का महंगाई हो जाए ना तो उसको आदत पड़ जाता है। पैसा जब आप कमाने लगे 50,000, पहले 10,000 में तो 10,000 में काम कर चला लेते, और लेकिन जिस दिन 50,000 कमाने लगे उस दिन 50,000 से अगर 40,000 जिस दिन कमाइएगा ना तो लगेगा कि आज हमने बहुत कहीं कम कमाया, और आपकी सैलरी फिर से 10,000 पर आ जाएगा तो मर जाओगे, आदत हो जाती है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अब ये क्या कहा कि दोनों आपस में है ना बोनस की बात करने लगे, तो ये दोनों मिलकर के श्रमिकों को 35% बोनस दिवाया, जहां 50% मिलना था वहां चलो 35% बोनस के साथ आप सैलरी बढ़ गई, समझ में आया ना। तो इसको लेकर के था, किसान लोग चाहते थे, मजदूर लोग चाहते थे कि हमारी सैलरी नहीं घटे, है ना, जितना दे रहा उतना दे, ठीक है। तो बोनस में था ये, या जितना बोनस कहा था उतना दे, समझे बच्चे। तो कल हम लोग देखेंगे रोलेक्ट एक्ट के बारे में, किसके बारे में, टाइम क्या हो गया देखिए, तो टाइम अगर बच्चे का तुम्हारा पढ़ाएंगे, हाँ 5 बज गया ना।